सैफ अली खान की नई मूवी लाल कप्तान का पोस्टर रिलीज हो गया है, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी और सैफ अली खान इस फिल्म में नागा साधु के रोल में नजर आएंगे। पहले फिल्म की रिलीज डेट 11 अक्टूबर थी, जिसे अब बदल दिया गया है। इससे पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें सैफ लाल कप्तान बने नजर आ रहे थे। उनके माथे पर भभूत लगा हुआ था और पीछे से साउंड आ रहा था, हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। सैफ के काम को लेकर काफी टाइम से चर्चा की जा रही थी। सेक्रेट गेम्स में अपने किरदार को लेकर सैफ काफी फेमस हुए थे और सेक्रेट गेम को बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। खबर यह है कि सैफ अली खान ने फिल्म बंटी और बबली 2 को छोड़ दिया है। इस फिल्म में गली बॉय एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी लीड किरदार निभाने वाले हैं और सैफ सेकंड लीड में थे। अब माना जा रहा है कि सैफ ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। फिल्म के मेकर को इससे बड़ा झटका लगा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब अपनी फिल्म को वो आगे कैसे बनाएंगे। लेकिन फिलहाल सैफ अपनी मूवी लाल कप्तान को लेकर एक्साइटेड है, जिसमें वो लीड रोल यानी कि लाल कप्तान बने हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।